सऊदी अरब ने अमेरिका की पोल खोल दी है। बाइडेन का बहुत बड़ा राज खोल दिया है कि बाइडेन गिड़गिड़ा रहे थे जीतने के लिए। जानेंगे क्या किया है बाइडेन ने। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी नौसेना को आखिर भारत ने क्यों घेर लिया और क्यों भारत की नौसेना ने लिया बड़ा वाला एक्शन। क्या नाव डुबा दी थी पाकिस्तानी सेना ने। जानेंगे क्या कुछ हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच का झगड़ा अब बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ तक कि अंजाम भुगतने की चेतावनी भी मिल रही है। अमेरिका ने दरअसल सऊदी अरब पर वार किया और कहा हम तुम्हें इसका अंजाम दिखा देंगे। अब अंजाम दिखाने का सीधा मतलब था कि ये सोच रहे थे कि हम अपनी सेना निकाल लेंगे, अपने हथियार निकाल लेंगे, जो हमने कभी तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, अब तुम ईरान के सामने तुम्हें छोड़ देंगे और तुम समझना। अब अमेरिका ने ऐसा लगता है जैसे ये करके और भी बड़ी गलती कर दी। एक तो बाइडेन जब से आए हैं तब से बाइडेन अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अफगानिस्तान से निकलने में जल्दबाजी और यूक्रेन युद्ध की वजह से जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, अमेरिका में भी जो बाइडेन के खिलाफ एक माहौल बन गया है और उनकी रेटिंग ऐतिहासिक स्तर पर 30% से भी नीचे जा चुकी है। अब बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी परेशान है। रूस पर प्रतिबंध तो लगा दिया लेकिन इसका असर अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है और अमेरिका के दोस्त देशों में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दोस्त देश भी अब धीरे धीरे इससे कट रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस ने तो अब ये कहना शुरू कर दिया है कि जो हमें लॉस हो रहा है उसकी भरपाई अमेरिका को करनी चाहिए। हालांकि ये पहली बार है, पर इस वक्त सऊदी और यूएस के हालात ऐसे हो गए हैं कि एकदम से रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि बाइडेन की बात नहीं मानी और तेल प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच संबंध ऐतिहासिक तौर पर करीब हो गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही सऊदी की मदद से यूएई ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध भी जोड़ लिया। कहा जाता है कि जमाल खगोशी मर्डर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी को रिपोर्ट सार्वजनिक करने से रोक दिया था, जिसमें सीधे सीधे आरोप लगे थे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर। पर बाइडेन की कुर्सी पर बैठते ही दोनों देशों के बीच दूरी बढ़ने लगी। पहले तो बाइडेन ने फोन किया लेकिन सऊदी प्रिंस ने जब फोन नहीं उठाया तो बाइडेन मिलने के लिए सऊदी तक पहुंच गया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जिस तस्वीर में दोनों एक दूसरे से मुक्के मिलाते हुए दिखे, पर ये अब मुक्का मुक्केबाजी में बदल चुकी है। दरअसल हुआ ये है कि सऊदी अरब ने गुस्से में जो राज वाली बात थी ना, वो राज वाली बात खोल दी है कि बाइडेन आए थे लेकिन दुनिया ये मत समझो कि तुम्हारे लिए आए थे। बाइडेन ने ये जरूर कहा कि प्रोडक्शन को इस वक्त बढ़ा दो, लेकिन उसके साथ क्लाउज भी लगा दिया। सऊदी अरब ने एक बयान जारी करके ये बोला कि दरअसल बाइडेन जब यहाँ आए थे तो बाइडेन ने कहा था सिर्फ एक महीने के लिए, अभी तुम प्रोडक्शन कट मत करो, एक महीने बाद कर लेना। अब इसे एक महीने में कौन सी बात थी, 30 दिन में ऐसा क्या हो जाता। तो आपको बता दें 30 दिन का समय मांगा था बाइडेन ने सऊदी अरब से, लेकिन सऊदी अरब ने ये 30 दिन नहीं दिए। दरअसल बाइडेन ये चाहते थे कि मध्यावधि चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में वो जीत ले। अगर तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हो जाएगा तो ये चुनाव जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल भरा रहेगा। यही वजह थी कि बाइडेन ने अगले महीने होने वाले सीनेटर्स चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस बात को कहा था कि इस महीने आप मत कट करो, और सऊदी अरब ने बकायदा इसके लिए बयान जारी किया। हालांकि अमेरिका ने इस बात को काटा और कहा कि नहीं नहीं, ये जो बातें कह रहा है सऊदी अरब, ये बातें पूरी तरीके से गलत है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये बदमाशी कर रहे हैं, इस तरीके से करने से दाम बढ़ जाएगा, दुनिया को परेशानी होगी। तो ये दरअसल बात ये है कि सब कुछ कुर्सी का खेला है। कुर्सी बचाने के लिए बाइडेन वहाँ झुक कर गए थे, बाकी आम जनता हो या फिर दुनिया के देश हो, उनसे कुर्सीधारियों को कुछ ज्यादा मतलब है नहीं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक बड़ा कांड हो गया है। सबसे अजीब बात यह है ना कि ऐसे हालातों के बीच भी पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता है, ये एकदम से ढीठ वाली हरकत है। ये देख सकते हैं आप ग्राफ, ये ग्राफ दिखा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की हालत हो रही है खराब। पाकिस्तान में लगातार
समस्याएं बढ़ रही हैं घटने के बजाय। इसके बावजूद पाकिस्तान पंगे लेने से बाज नहीं आता है। अभी हाल ही में शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया। शहबाज शरीफ ने ये कह दिया कि हाँ, कश्मीर एक मुद्दा है, इसे हल किया जाना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को हल करने के लिए भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत को पहल करनी होगी, भारत को आर्टिकल 370 फिर से रीस्टोर करनी होगी। मतलब दुनिया कहाँ जा रही है और ये पीछे मुड़कर कहाँ जा रहे हैं। बाजवा की दी हुई नसीहत अभी भी इनके काम में नहीं आ रही है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में कई खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक बवाल पाकिस्तान में हो रहा है। हाल ही में एक ऑडिट हुआ, जिस ऑडिट में ये निकल कर आया कि पाकिस्तानी सेना ने 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। और इस घोटाले में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं। इन्होंने क्या किया है, सैन्य भूमि, छावनियों की जमीनों को अपने लोगों को कौड़ियों के दाम बेच दिया है। इसके अलावा सैनिकों के इलाज के लिए बनाए गए सैन्य अस्पताल में गलत दवाओं को खरीदा गया है। कमीशन के लिए अयोग्य वेंडरों को टेंडर दिया गया है। बिजली प्रोडक्शन के लिए गैस की खरीद में घोटाला किया गया है। यहाँ तक कि वायुसेना के अधिकारियों के घर में बिजली आपूर्ति में भी हेराफेरी की गई है। और सबसे बड़ा घोटाला किया है पाकिस्तानी सेना के कैंटीन ने गलत खरीद करके। 18 अरब रुपए का घोटाला तो अकेले पाकिस्तानी सेना के कैंटीन ने किया है। नियमों को ताक में रखकर इन्होंने टेंडर जारी किया और खूब माल बनाया। पर ऐसी परिस्थिति में जब आर्थिक रूप से पूरी तरीके से डूब रहा है पाकिस्तान, फिर भी पंगे लेने से बाज नहीं आ रहा है। अब हुआ ये कि 6 अक्टूबर के दिन खबर आती है भारतीय कोस्ट गार्ड शिप को कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, एक फिशिंग बोट हरसिद्धि 5 डूब रहा है गुजरात के तट के पास। ये कोस्ट गार्ड वहाँ पहुँचते हैं, जब ये देखते हैं तो हरसिद्धि पूरा टूट चुका था। बहुत तेजी से ये वहाँ पहुँचते हैं। फिर एक शख्स मिलता है जो किसी तरीके से बच गया था। उसने बताया कि पाकिस्तान की जो नौसेना है उसने 6 लोगों को पकड़ लिया है और पकड़ कर वो ले गए हैं। और ये जो शिप थी, इस शिप पर उन्होंने फायर किया जिसकी वजह से ये डूब गया। PMSS बरकत ने फायरिंग की इस फिशिंग बोट पर 2-2 बार और जिसकी वजह से रात के अंधेरे में ये डूब गया। अब जैसे ही ये खबर भारतीय कोस्ट गार्ड को मिली, वैसे ही इन्होंने तुरंत संपर्क साधा, पाकिस्तानी बोट MSS बरकत को घेरना शुरू किया। और जब भारतीय नौसेना ने छोड़ने की बात की तो आखिरकार पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड शिप को इन्हें छोड़ना पड़ा। अब इन्होंने जो फायरिंग की और हीटिंग की, इसके लिए भारत ने जांच शुरू कर दी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान कभी सुधरेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।